अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप पहले की तरह बिल्कुल सेहतमंद होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमारा आज का मौजू है, क्या पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक मुल्कों में शामिल है। आपको पता होगा कि अमेरिका के सदर ने जो है एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। ख़ुद अमेरिका में भी उस पर तनकीद हो रही है और अमेरिका के बाहर भी तनकीद हो रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ वर्डिंग्स आई हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को कहा है, नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ उन्होंने रूस को भी और चीन को भी तनकीद का निशाना बनाया है। इसका मतलब है कि उनकी जो ये बात थी जो उन्होंने वहाँ पे एक फंड रेजिंग एक्टिविटी में गई थी, वो एक किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी। अच्छा, ये भी याद रखें कि सिर्फ एक हफ्ते 10 दिन पुरानी बात है कि जब अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को सबक सिखाने की बात की गई, सबक सिखाने की जो बात की गई अमेरिका की तरफ से, तो उसको भी ज़रा देखिएगा जो इस बात को जो है ना वो शो कर रहा है कि अमेरिका या उसके कौम या उसके सियासतदान या हुक्मरान जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। और ये मुसलसल इस तरह की चीज़ें काफ़ी अरसे से चल रही हैं। इसके क्या अवामिल हैं, हम इसके ऊपर आते हैं। पहला जो है पॉइंट है वो है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे हलचल और इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं जिसमें वो जो है वो हमदर्दी हासिल करें। पहले अमेरिका और जैसे दूसरे ममालिक जो थे ना वो अपने परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर वोट लिया करते थे, अब उन्होंने तीसरे मुल्कों की तरह हमदर्दी की बुनियाद पर और मजलूमियत की बुनियाद पर भी जो है ना वो वोट लेने शुरू करने का प्रोग्राम बना रखा है और पिछले 5-6 सालों से यही चल रहा है। दूसरी बात यह है कि ओपेक ने कीमतें बढ़ा दी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओपेक ने कीमतें तो उसे नहीं बढ़ाई, उसने प्रोडक्शन को कम कर दिया, यानी इनडायरेक्ट काम किया। जब ओपेक का जो है वो इजलास हो रहा था तो अमेरिका ने कई ओपेक मेंबर्स को ये समझाया, ये दबाव में लाने की कोशिश की कि अभी ये फैसला ना करें जब तक कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगी तो इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, प्राइस इंक्रीज़ होगी तो अमेरिका के शहरियों पे इसका ज़्यादा असर पड़ेगा और वहाँ पे पहले ही कसात बाजारी चल रही है दुनिया की तरह, तो वहाँ पर जो इनकी परचेसिंग पावर प्रॉब्लम आएगा और वो लोग जो है वो हुकूमत से नाला होंगे, क्योंकि वो इस मामले में बहुत हसास होते हैं। वह कंज्यूमर मार्केट है अमेरिका, आपको पता होगा। तो ओपेक वालों ने लेकिन उनकी बात नहीं मानी, ओपेक ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया। प्रोडक्शन के असरात ये होंगे कि दोबारा से आप देखें तो जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, यूक्रेन और रशिया का केस हो गया। अमेरिका ने इनके खिलाफ एक करारदाद पेश की, जो करारदाद पेश की तो उसका जो असर आया, देखें कैसे दुनिया उसके अब अमेरिका के असर से आज़ाद हो रही है। ऐसा ऐसा शाम जैसे मुल्क ने उस करारदाद की मुखालफत की, और भी बहुत सारे मुल्क थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी रबता किया, करारदाद के हक़ में वोट देने की कहा, लेकिन पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्कों ने अमेरिका के दबाव को रिजेक्ट कर दिया। ये सब दुनिया देख रही है। तीन पॉइंट्स हो गए, पहले क्या हो गए, मिड टर्म इलेक्शन, दूसरे ओपेक में क्या ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको कम किया, और तीसरा ये रशिया यूक्रेन वाली जो करारदाद आई है। चौथी जो बात है वो ये है कि अमेरिका में मुसलसल सदर बाइडन साहब और उनकी पार्टी दोनों की मकबूलियत में कमी हो रही है। ये एक बहुत बड़े दबाव का की वजह है, इनकी जो मकबूलियत में कमी हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो इस तरह जब चीज़ें होती हैं दुनिया में कहीं या हमारे मुल्क में भी, तो फिर क्या होता है, हमारे मुँह से वो चीज़ नहीं निकलती जो प्लान्ड होती है, सही है, बल्कि वो चीज़ निकल जाती है जो अंदर होती है, जो हम किसी से दुखे हुए होते हैं और वो सारी बात कर रहे होते हैं। अब आते हैं एटमी असासे और गैर जिम्मेदारी, क्योंकि ये बयान था ना पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो गैर जिम्मेदार हैं, गैर महफूज हैं। हम ये कहते हैं दुनिया में भी और यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ा रहे हैं दलील मुकालमा। अब आप इस बयान पे कहीं देख लें कि अमेरिका जो दुनिया की एक बड़ी मईशत और बड़ा एक मुल्क है, क्या अमेरिकी सदर के इस बयान में कहीं दलील या मुकालमे की बात है? क्या उन्होंने कोई जस्टिफाई किया है कि उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए ये जो स्टेटमेंट दिया है इसकी वजूहात क्या हैं? और अगर हम थोड़ा सा देख लें तो कुछ महीने पहले की बात है कि भारत से एक मिज़ाइल फायर होता है जिसका वो इतला भी नहीं देते और पाकिस्तान की हदूद में आके गिरता है, सही है। आप देखेंगे भारत से वो जिसको वो कहते हैं गलती से सारा काम हुआ, चलिए गलती से काम हो गया, तो गैर जिम्मेदारी कहाँ निकली, भारत में निकली।
इससे पहले आप देखें कि किस मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो एटम बम गिराए, तो गैर जिम्मेदारी कहाँ निकली, वह उस मुल्क में निकली जिसने करोड़ों लोगों को 1945 में जाके मार दिया। तो आपको मैं सिर्फ थोड़ी सी बात बता रहा हूँ मिसाइल फायर होने की, लेकिन क्या है कि हम वो कहते हैं ना गरीब की बीवी सबकी भाभी बन जाती है, लेकिन क्या है उनका जोर किस पर चल रहा है, कमज़ोर मुल्कों के ऊपर चल रहा है। तो इस तरीके से तो दलील कहीं पे भी नज़र नहीं आती अमेरिका को और दूसरे इस तरह के मुल्कों को। अब जो मज़े ले चुके हैं क़यादत के, दुनिया की लीडरशिप के, अब उनको ये बात का इल्म होना चाहिए कि दुनिया अब सियासी महवर पर नहीं है। कई सालों से दुनिया जा रही है माशी महवर के ऊपर, और सियासी महवर से जो शिफ्ट हुई है माशी महवर के ऊपर, तो वो याद रखेगा कि वो जो शिफ्टिंग वो महवर है वो अमेरिका को और परेशान कर रहा है। लेकिन उसका सही तरीका ये है कि जो तरीक़ेकार है जिस महवर पे दुनिया जा रही है आप उस महवर को अडॉप्ट करें ना, जबी तो आप दुनिया पे क़यादत कर सकते हैं। तो जिसमें आगे आपको चीन का किरदार नज़र आता है, चीन के साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन और जो इख्तलाफ दुश्मनी नजर है ऑब्वियस, तो वो चीन के सारे दोस्तों को इस तरीके से इस तरह चीज़ें कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं, जो हमारी सलाहियतें हैं, वो बहुत महफूज हाथों के अंदर हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, और अभी तक जब से उसने अपना प्रोग्राम शुरू किया है जब से आज तक उसने इस तरह की कोई गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे नहीं किया। बहुत अच्छी रैंकिंग है, बल्कि हमारी रैंकिंग बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनसे बेहतर है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आया होगा। ये दुनिया का सब करंट इशू चल रहा है, आप ये उन लोगों को ज़रूर भेजिए जो बैनुल अक्वामी उमूर के ऊपर जो नज़र रखते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। अपना उस चैनल का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।